Hey guys, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी चॉकलेट केक शेक। सबसे पहले हम एक बोल में ले लेंगे मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, नमक और कोको पाउडर। इस पूरे को अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। फिर बारी है इसमें ऑयल डालने की। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे जब तक हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पूरे ऑयल से कोट हो जाते हैं। और अब तो बस दही, थोड़ा सा वेनिला एक्सट्रैक्ट और पानी बचा है, ये डाल देते हैं और फिर हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे मग केक बना रही हूँ हमारे केक शेक में यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाजार का खरीदा हुआ चॉकलेट केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसको और चॉकलेटी बनाने के लिए इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट के चंक्स भी डाल देते हैं, क्योंकि वाई नॉट, चॉकलेट केक शेक है तो जितना ज्यादा चॉकलेट होगा उतना मजा आएगा। मेरे माइक्रोवेव में बनने में इसको 1 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं 700 वाट के माइक्रोवेव में। आप अपने माइक्रोवेव के वॉटेज के हिसाब से टाइम को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा केक रेडी हो गया। अब चलते हैं हमारे शेक पार्ट पे। शेक बनाने के लिए हम अपने ब्लेंडर में चॉकलेट, कोको पाउडर और मिल्क पाउडर ले लेंगे। फिर बारी है इसमें चीनी, दूध और आइस डालने की। और अब जो हमने केक तैयार किया था फटाफट उसको डाल देते हैं। पूरा केक नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे, क्योंकि बाकी आधा हमें सर्विंग के लिए चाहिए। बस इतने इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए थे हमें। आप इसको और भी रिच बनाना चाहें तो आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। एक बहुत ही स्मूथ और थिक शेक बनाने के लिए आपको इसको ज्यादा देर तक ब्लेंड करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 2 या 3 मिनट्स तक इसको जरूर ब्लेंड करिएगा। इससे आपका शेक कहीं ज्यादा स्मूथ और थिक बनेगा। ये था हमारा हनीड्यू नुस्खा। दोस्तों, आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। आज के टाइम में तो हम चॉकलेट से कई सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन पुराने टाइम में, स्पेशली सेंट्रल अमेरिका के मायन कल्चर में जहाँ चॉकलेट ओरिजिनेट हुआ था, वो लोग चॉकलेट को सिर्फ एक ड्रिंक फॉर्म में ही पीते थे। लेकिन उनके चॉकलेट शेक और हमारे चॉकलेट शेक में बहुत फर्क है। उनका चॉकलेट शेक एक बहुत ही थिक, बिटर और फ्रॉथी ड्रिंक होता था जो सिर्फ रॉयल्टी पी सकते थे। कॉमनर्स, ऑर्डिनरी लोग उसको नहीं पी सकते थे, क्योंकि ककाओ बीन्स की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, चॉकलेट की 90% हिस्ट्री में चॉकलेट को एक ड्रिंक फॉर्म में ही पिया गया है। ये केक्स और चॉकलेट्स ये सब बहुत ही बाद में आए हैं। ज्यादातर उसकी हिस्ट्री में चॉकलेट वॉज सर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बेवरेज। 17th century के अराउंड यूरोप में भी चॉकलेट एक बहुत ही ज्यादा फैशनेबल ड्रिंक बन गया था, और माना जाता था कि इसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। अब बस इसको सर्व करने की बारी है। इसको एक ब्यूटीफुल वे में लेयर कर लेते हैं, जिससे ये एकदम 5-star होटल्स और कैफेज जैसा शेक लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगा देंगे हम अपने ग्लास पे, उसको ड्रिजल कर देंगे। और अब आप इसको रैंडमली केक, व्हिप्ड क्रीम और शेक से लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन ऐड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। आप इसमें ओरियो कुकीज डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। आप जितना चाहें उतना क्रिएटिव हो सकते हैं इसकी लेयरिंग और प्रेजेंटेशन में। द अल्टीमेट प्रोडक्ट विल बी अ ब्यूटिफुल चॉकलेट शेक, जो दिखने में जितना खूबसूरत लगेगा उतना ही वो पीने में अच्छा लगेगा। इसको टॉप में व्हिप्ड क्रीम से सजा देते हैं और ये बन के तैयार हो गया हमारा गॉर्जियस चॉकलेट केक शेक। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि इसको घर में बनाया गया है। ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे अगली बार मिलूंगी एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए और खुश रहिए। बाय बाय।